तो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज आर उसकी चार्ट एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल अबाउट कमीशन आर्टवर्क के बारे में। सो कमीशन आर्टवर्क आपको किस तरीके से लेनी चाहिए एंड कैसे आते हैं कमीशन आर्टवर्क एंड प्राइजेस। बेसिकली इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, सो वीडियो को एंड तक देखना एंड चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सपोज कि आपसे किसी को स्केच बनवाना है, वो आपसे कैसे बनवाएगा जब आपके पास उसका कांटेक्ट होगा? अदरवाइज आपके पास उसका कांटेक्ट ही नहीं है तो आपसे वो कैसे ही कहेगा कि मुझे स्केच बनवाना है। तो सिंपल कि आपको पहचान बनानी होगी एंड लोगों को पता चलना चाहिए कि आप स्केच बनाते हो। सो आप लोगों के घर में तो जाके नहीं बोल पाओगे कि मैं स्केच बनाता हूँ, लोग आप ही को पागल बोलेंगे। तो सिंपल है, इसके लिए आपको अपने आर्टवर्क को शेयर करना होगा एंड शेयर करने के दो तरीके हैं एंड पहला तरीका जो कि सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया में आपको ऑलवेज एक्टिव रहना है एंड आपको आपको रेगुलरली अपने आर्टवर्क को पोस्ट करनी है। सेकेंड तरीका में आप ऐसे किसी भी लोग का किसी भी पर्सन का बनाओ जिनके घर काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। सो जैसे आप किसी भी अपने फैमिली में ही किसी का बना दो एंड देन जब लोग उस आर्टवर्क को देखेंगे एंड उन्हें नीड होगी तो खुद आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने आर्टवर्क को शेयर कर सकते हो एंड कमीशन आर्टवर्क ले सकते हो। काफ़ी लोगों को लगता है कि मुझे प्राइजेस कितनी रखनी चाहिए, तो वो जब दूसरे को देखते हैं कि वो इतना रखा है तो वो भी खुद की आर्टवर्क की प्राइस उतना ही रख लेते हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बहुत ही गलत है। आप अपने हिसाब से अपने आर्टवर्क की प्राइजेस रखो कि आप अपने आर्टवर्क में कितना वैल्यूज दे पाते हो, कितना टाइमिंग दे पाते हो, कितना पैसेंस रख पाते हो, इन सारे चीज़ों से आप अपने प्राइस को फिक्स करो। तो यार किसी का भी देख के अपने प्राइस को फिक्स मत करो एंड जब आप बिगनिंग ड्यूरिंग में होते हो तो उस टाइम तो आप अपने प्राइजेस को काफ़ी कम रखो बिकॉज उससे आपकी दो फायदे हो सकते हैं। आप उससे आपको पैसे भी मिल जाएंगे एंड आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उस टाइम जब आप बिगनिंग ड्यूरिंग में होते हो, प्रैक्टिस टाइम होते हो, तो उस टाइम आप पैसे के वैल्यूज़ मत दो एंड आपको जितना मिले उतना ही रख लो। बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम मैं भी कुछ इसी तरीके से करता था एंड एक और डाउट्स रहती है कि वो उतना भी परफेक्ट ड्रो नहीं कर पाते हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे क्या ही कमीशन आर्टवर्क मिलेंगे। तो कमीशन आर्टवर्क में आपकी डिटेल्स को नहीं देखी जाती है कि आप उसमें कमीशन आर्टवर्क होती है उसमें आपको देखी जाती है कि आपने फेस को कितना मैच करा है। सो अगर आप 95% भी फेस को मैच कर देते हो तो आप कमीशन आर्टवर्क के लायक हो बिकॉज उसमें वैल्यूज़ एक आर्टिस्ट ही है जो कि उस रेफरेंस में पूरे डिटेल्स को देखता है एंड जो क्लाइंट्स हैं वो उस डिटेल्स को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि हमारी जो फेस है वो कितना परसेंट मैच कर रहा है। आप जब भी कमीशन आर्टवर्क ड्रो करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करो। आप जितना टाइम और भी कोई स्केच बनाने में देते हो उससे ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करो एक कमीशन आर्टवर्क में। टोटली मिला के कुछ यही सारी बातें थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था। मुझे जो कमीशन आर्टवर्क मिली है वो कुछ इस तरीके की मैंने ड्रॉ करा है, आप देख सकते हो एंड जो रेफरेंस है वो कुछ इस तरीके की दिख रही है। सो कुछ इतना ही था, होपफुली कि ये वीडियो आपसे आपको हेल्प मिला होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।